नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। एंड आई एम नो एंड आई एम श्योर काफी सारे लोग इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे एक्साइटमेंट के साथ। तो काफी सारे गेसेस आए मेरे पास अलग अलग, किसी ने भोपाल गेस किया, किसी ने पुणे भी गेस किया, कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इंदौर गेस किया एंड कुछ लोगों ने एकदम करेक्ट गेस किया है, वो है मुंबई। सो यस, वी बॉट आवर फर्स्ट होम टुगेदर इन मुंबई। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये एकदम श्योर नहीं था कि हम मुंबई में ही लेने वाले हैं घर। क्या हुआ, मतलब हमने स्टार्ट कहीं और से किया था और हम पहुंच कहीं और गए और इतना क्विक वो डिसीजन हुआ था। तो उसकी पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में, जो जर्नी है वो शेयर करना चाहूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। सो हाउ इट स्टार्टेड, मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड इन मार्च 2021। स्टार्टेड विक्की के एकदम दिमाग में, मतलब हमारा कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, विक्की के दिमाग में आना स्टार्ट हुआ मार्च में। हम लोग मिले थे निशा से एंड उनके जो हस्बैंड है सुनील भैया, उनसे। तो दे हैव देयर होम इन थाने हीरानंदानी में। तो उन लोगों से बातें करना स्टार्ट की, कुछ डिस्कस किया एंड क्या किया मुझे नहीं पता। फिर विक्की ने अपने किसी और एक कलीग से बात करी एंड ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट सेड मी वन डे कि लेट्स बाय अ होम इन मुंबई। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब क्या। तो बोलता है कि हाँ, मतलब दिस इज द राइट टाइम। एंड मैं उसको बोल रही हूँ कि आर यू श्योर, मतलब इतना तो यार, इतना हमारा बजट नहीं है और ना ही हम ऐसा ऐसा, हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हुए। तो कुछ नहीं बोला, वो चला गया। फिर दो तीन दिन उसने, वो मेरे पास, उसने कुछ एक एक्सेल पे पूरा वर्कशीट तैयार करके रखा था विथ कितना अगर हम लोन लेते हैं और कितने का अगर हम घर लेते हैं तो हमारा मंथली ईएमआई कितना कटेगा और पूरा विथ कैलकुलेशन इंटरेस्ट कितना कटेगा, कितने सालों में हम वो लोन कंप्लीट कर पाएंगे। उसने ऐसे 5 से 6 साल तक की पूरी एक वर्कशीट एक्सेल पे बकायदा तैयार करके एक दिन मुझे बैठा करके दिखाई कि दिस इज द वर्क प्लान, दिस इज द वर्कशीट आई एम प्लानिंग और ये एंड फलाना ढिमकाना। एंड उसने मुझे समझाया कि दिस इज द राइट टाइम, वी शुड गेट आवर ओन होम, बिकॉज जो भी एक्स वाई जेड रीजंस थे वो सब बताए गए मुझे। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, अपन इतना अगर ईएमआई कटने वाला है तो हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं। एंड उस टाइम पे हमारा जो बजट था ना, मैं पूरा बजट के साथ आपको क्लियरली बताऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो हमारा बजट था सिर्फ 70 लाख रुपीस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें हम हमारा एक डाउन पेमेंट का अमाउंट देते हैं और बाकी का हम लोन ले लेते हैं। तो 70 to 75 लाख आप मान के चलिए, तो हमारा ये बजट था। और इतने बजट में आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा तो 1 BHK मिलेगा, उससे ज्यादा का घर नहीं मिलेगा, वो भी 350, 340, 360 square feet। तो क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, कोविड की वजह से ना रेट थोड़े ठीक थे, बहुत एकदम हाई उस पे नहीं था, थोड़ा रेट नीचे आया था, तो ये सही टाइम था घर लेने का। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, हम बहुत खुले दिल और दिमाग से हमने ढूंढना स्टार्ट किया। तो हम लोग, तब तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ हमने बैरियर नहीं लगाया था कि हमको न्यू प्रॉपर्टी लेनी है या ओल्ड प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने ओल्ड न्यू रीसेल सब देखी, क्यों, हमने पुरानी प्रॉपर्टीज भी काफी सारी देखी, बट वही होता था, पुरानी प्रॉपर्टी में हम जाते थे और मजा नहीं आता था। मतलब मैं विक्की को ऐसे बोलती थी कि यार आप, एक तो हमारा जो भी सामान है घर का वो 2 BHK के अकॉर्डिंग है, उसमें हम कैसे भी करके चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, 1 BHK में ले जाएंगे सामान। उसके बाद हम पुराना घर अगर ले लेंगे 70 to 75 lakhs में, उसमें हमको 10 से 15 लाख रुपए टाइल्स अजीब टाइप की हैं वो चेंज कराना होगा, किचन चेंज कराना होगा, उसके बाद बहुत सारे फर्नीचर हमको उसके हिसाब से करवाना होगा। तो आप मान के चलो 10 से 15 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका खींच तान करके 85 तो पहुंच ही जाना है, ठीक है, रजिस्ट्री सब कुछ मिला करके। हमारा यही हुआ कि थोड़ा सा हम अपना बजट बढ़ाते हैं क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमने इतने साल का प्लान रखा है, हम इसमें 2 साल और ऐड कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सोसाइटी सर्च करने से पहले हमारे रिक्वायरमेंट्स कुछ थे, तो वो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताती हूँ घर देखने से पहले। सबसे पहला रिक्वायरमेंट हम दोनों का था कि हमको रेडी टू मूव इन घर में ही जाना है, हमको ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं था। मतलब हमको ऐसे घर भी मिल रहे थे जो 2 months के बाद वो अपना पोजेशन देने वाले थे, ऑलमोस्ट रेडी थे, पर 2 महीने के बाद वो पोजेशन देते, हम उन तक घरों को मना कर रहे थे कि नहीं, हमको रेडी टू मूव इन जाना है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बड़ा रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज घर लिया, आपको 2 साल बाद उसका पोजेशन मिलने वाला है, आपको यहाँ पर 15-20 लाख रुपए आराम से कम हो जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती है ना, आपको पैसे कम होते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे 15-20 लाख बचा लिए, सपोज नेक्स्ट ईयर चुनाव आए, कोई नई पॉलिसी आ गई, उसकी वजह से उस बिल्डर ने वो फुलफिल नहीं कर पाया, उस बिल्डिंग पे वो लग जाएगा, स्टॉपेज लग जाएगा, हमारी जस्ट घर, जिस हम घर में रहते थे ना रेंट पे, उस घर के साइड वाली इतनी
लग्जूरियस बिल्डिंग बनी हुई थी वो, इतने बड़े बड़े घर बने हुए थे, आप सोचो कितने कितने करोड़ों लोगों ने वहाँ फंसा रखे हैं और वो बिल्डिंग पे वो लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है गवर्नमेंट का. क्यों? बिकॉज समथिंग, जो भी बिल्डर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई हो. तो ये हम बियर नहीं कर सकते भाई, ये लॉस हम बियर ही नहीं कर सकते. हम 3 साल बाद घर खरीद लेंगे, बट हमको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में ही जाना था. विक्की के ऑफिस का एक कलीग है जिसने कब बुक करके रखा था 2017 में, और अभी तक उसको घर नहीं मिला है, पोजेशन नहीं मिला. हमने ऐसे प्रॉब्लम सुन के रखे थे, तो हम इस चीज का बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमको रेडी टू मूव इन घर में जाना है, जो हमारा सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था. सेकेंड हमारा जो रिक्वायरमेंट था, घर में बैल्कनी होना चाहिए. तीसरा हमारा रिक्वायरमेंट था कि आसपास कुछ हॉस्पिटल होना चाहिए. इफ़ यू नीड एनी इमरजेंसी, तो ट्रैफिक में फंस के आपको आना जाना पड़े, आपके आसपास एक हो ऐसी जगह, ठीक है, हॉस्पिटल हो. चौथा हमारा रिक्वायरमेंट था कि आसपास स्कूल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, ठीक है. फिफ्थ हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के नीचे ग्रॉसरी की शॉप हो, वेजिटेबल वाला वेंडर हो, मेडिकल की शॉप्स हो, जो एक बेसिक नेसेसिटी डे टू डे लाइफ में लगती है वो चीज़ें होनी चाहिए. मार्केट हो कि आपको बार बार मेन जगह पे कहीं भागना ना पड़े. एंड नेक्स्ट था कि थोड़ी अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, इट शुड बी अ गुड सोसाइटी. तो ये हमारे थोड़े रिक्वायरमेंट्स थे. तो हम लोगों ने काफी सारी सोसाइटीज, जो नाम चलता है जिन सोसाइटीज का, उनको शॉर्टलिस्ट करके रखा था कि इन इन घरों को हम देखेंगे. तो हम डायरेक्ट भी गए सोसाइटीज के पास. उसके बाद ये जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, जो लोग आपको, जो आपसे पैसा नहीं लेते हैं अगर आपने घर खरीद लिया तो, लेकिन वो सिर्फ आपको घर दिखाते हैं, वो बिल्डर एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ तो भी, है ना. तो हमने ऐसे लोगों से भी, हमारे कॉन्टैक्ट थे जिन्होंने हमको हेल्प करी है. ओके, सो 1 BHK लेने का विक्की का प्लान ये था कि हम इसको ले लेते हैं, हम इसमें रहेंगे नहीं, 5 साल बाद हम इसको सेल कर देंगे. मतलब पता नहीं भलता ही उसका कुछ प्लान था, जो कि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता और ना ही घर वालों को किसी को भी समझ में आ रहा था, कि ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि तुम वहां पे घर ले लोगे और फिर तुम रेंट के घर में रहने वाले हो. ऐसे करके उसका कुछ तो भी प्लान था. तो उसको बस ये था कि पता नहीं उसके अंदर जुनून और भूत सवार हुआ था कि उसको बस घर लेना है, मुंबई में लेना है और कहीं नहीं लेना. ही वॉज सो डेस्पिरेट टू बाय होम इन मुंबई. उसका ड्रीम बोल लो या जो भी बोल लो, उसका एक है कि भाई एक घर होना चाहिए उस जगह पे. कन्विंस किया कि यार हमको नहीं पता 5 साल बाद कैसी सिचुएशन आएगी, मार्केट कैसा हो जाएगा, कोविड आया था किसी को पता था क्या, कुछ भी सिचुएशन एक्स वाई जेड, व्हाट इफ, देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स एज वेल. दो हम इतना नेगेटिव सोचेंगे नहीं, बट वी शुड कंसिडर, है ना, हर तरीके के पर्सपेक्टिव्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं. तो ऐसे करके मैंने उसको समझा कि कम से कम एटलीस्ट ऐसा घर हो कि इन केस अगर हम नहीं उसको सेल कर पाते हैं, नहीं सेल होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम ना रहा है अगर हम उसमें कंटिन्यू भी करें. तो हमको ऐसा घर भी लेना था, ऐसी जगह पे लेना था जहाँ पर रीसेल वैल्यू हमको मिल जाए, अच्छी मिल जाए. हमने 1.5 देखना स्टार्ट किया, काफी सारे, अगेन खुल दिल, खिले दिल और दिमाग से हमने इसमें रीसेल भी घर देखे और हमने न्यू प्रॉपर्टीज भी देखी. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रीसेल के फेवर में शुरू से ही नहीं थी. क्यों? क्योंकि मैं आपको उसके फैक्टर्स भी अभी एंड में बताऊंगी आकर के मैं क्यों फेवर में नहीं थी. मेरे को ये था कि नया घर लेना है, फ्रेश ही लेना है, विथ फ्रेश वाइब्स हमारी एनर्जीज उसमें जाएं, और मतलब ऐसा मेरा वो था. को एक घर बहुत पसंद आया था. क्यों पसंद आया था? एक तो वो बजट में आ रहा था, तो वो हम लोगों को काफी पसंद आया. बट हम ऐसे थे कि पहले और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं. क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग के सामने प्रॉपर रोड नहीं थी, मतलब वो जो एरिया था ना, वो वहां पर जाकर के एंड हो रहा था, एंड ऑफ दी उस एरिया का एंड था, उसके बाद में कोई रोड नहीं है. तो विक्की को ये लग रहा था यार इतने अंदर हम किसी टेनेंट को बुलाएंगे या कभी देंगे तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, या हमको रीसेल वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना अंदर साइड में वो घर था. तो ये सब एक थोड़े ड्रॉबैक्स भी थे. तो कि हम लोग बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम ज़बरदस्ती घर भी नहीं लेंगे, अगर हमको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं सही लग रहा है, मुझे वहाँ पे सही नहीं लग रहा है, वाइब सही नहीं आ रही है, मुझे ऐसा यस नहीं आ रहा है, तो हम रुक जाएंगे. ये मैंने विक्की को ऐसे समझाया कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्पिरेट था घर लेने के लिए. तो ही वॉज लाइक ठीक है, चलो ठीक है, इतना करते हैं, पर हम देखते रहे, देखना तो कंटिन्यू रखते हैं. हमने 1.5 से हमको थोड़ा और लालच आया, हमने कहा चलो 2 भी देखना स्टार्ट करते हैं. 95 से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी, आप समझ रहे हो, हम 70 से कहाँ आ गए हैं. मैंने बोला इससे ऊपर तो जाना ही जाना नहीं है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग इसके अंदर होना चाहिए. तो हमने डेफिनेटली जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे, हमने वहां पर भी बहुत पता किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बिल्कुल बजट के बाहर थी वो, जो जिस बिल्डिंग में मैं रह रही थी. तो हम लोग कहां पर रह रहे थे, मैं थोड़ा एरिया आपको बताती हूँ. आने वेस्ट में गोडबंदर रोड में वी वर लिविंग इन, एंड हम उधर ही तरफ का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्या हम विव्याना मॉल के आसपास की सोसाइटी से लेकर के जहां पर थाना एंड होता है, दिस इज द विव्याना मॉल, यहां पर मेन मुंबई है, एंड यहां पर आते 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 यहां पर थाना एंड हो रहा है. तो जो सबसे एंड में सोसाइटीज बने हुए हैं, एक लोधा का प्रोजेक्ट है, इसका नाम है स्प्लेंडोरा, और उसी के सामने एक पुराने रूमा बाली करके एक सोसाइटी बनी हुई है. ये दो सोसाइटीज द एंड, टुवर्ड्स एंड ऑफ थाने हैं. तो हमने यहां से लेके यहां तक के ऑलमोस्ट सारे जो वेस्ट लाइन के प्रोजेक्ट्स है वो सब देख डाले. इनटू सम हाउसेस, जैसे कल तरु का एक एमेंसा प्रोजेक्ट है, काफी लग्जूरियस एंड लग्जरी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और उसका प्राइस उन लोगों ने हमको कोट किया था. आई वाज लाइक
यार ठीक है, माना आपका बहुत झांकी प्रोजेक्ट है, बहुत ये है, बहुत वो है, बैल्कनी थी उस प्रोजेक्ट में, डेफिनेटली एक बैल्कनी थी, बट मतलब आपने देखा ये कि कोविड में यू नीड स्पेस एट होम, आपको बाहर स्पेस कितना है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको घर में स्पेस चाहिए. फिर हम लोधामारा गए, सेम अगेन लोधामारा में हमारे जो कुछ एक आध फ्रेंड्स हैं वो रहते हैं, नेगेटिव फीडबैक थे वहां के, तो हमारा वो पूरा कैंसिल ही हो गया. तो गोदरेज एमरल्ड की प्रॉपर्टी देखने के लिए गए, वो भी अच्छा था, ठीक था, बट बहुत हाई बजट था उनका. हम विजय की प्रॉपर्टीज देखने के लिए गए, अगेन उनका भी 1.10 वाज द बजट. जगहों से मैं डिसअपॉइंट होकर के आती थी, नीलकंठ ग्रीन्स जो कि स्टार्ट अगेन 1.25 और 1.50 से स्टार्ट होता है बिकॉज वो लेक फ्रंट फेसिंग होम था. कॉस्मोस हम लोगों ने देखा, कॉस्मोस का हमको बहुत पसंद आया था, उनका जो 2 BHK था वो अच्छे साइज में था एंड बजट में था, बट द प्रॉब्लम इज सोसाइटी एकदम रोड पे थी, मतलब दिन भर चै दिन भर आता रहता, आपको पीस नहीं मिलता. तो वो हमने एकदम लास्ट में रख के रखा था कि जब कुछ नहीं मिलेगा और अगर लेना ही है तो हम इसको कंसिडर कर पाएंगे. ऋतु इनक्लेव गए, ऋतु इनक्लेव भी हमारे बजट के बाहर था, सब कुछ देख मारा. तो हम लोग इन दो सोसाइटीज के पास में आए, हमने सोचा कि यार यहाँ पर भी देख लेते हैं. हम पहले फेवर में नहीं थे कि मिडिल तक आ सकते हैं, अब इससे इतना आगे नहीं जाना है ना. तो विक्की बोलता है कि अगर हमको हमारे बजट में मिल जाए और हमारे टाइप का घर मिल जाए तो क्या बुरा है. मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार यहाँ पर भी अपन चेक कर लेते हैं. हम लोग वहां पर गए, मैं पूरा स्टडी करके जाती थी सारे एकर्स में, जितने भी जो प्रॉपर्टीज की ऐप होती है उन सब में रेट पूरा चेक करके अपने बकायदा सब प्रिपेयर होके जाती थी कि सामने वाला हमको चला ना पाए. यूजुअली ऐसा होता था हम लोअर जो कपड़े पहने हुए हैं, लोअर टी शर्ट एंड चप्पल में घर देखने के लिए जा रहे हैं. कुछ जगह पे हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता था, ओवरवेलमिंग, बट कुछ जगह पे हमको बहुत इग्नोरेंस मिलता था. तो जिन जगहों पे हमको इग्नोरेंस मिलता था ना, मैं उनको बोल के आती थी कि सालों तुम्हारी प्रॉपर्टी में बिल्कुल नहीं लेकर के जाने वाली हूँ. उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था, अगर हम टेक्निकली और सारे फैक्टर्स को लेकर के सोचा जाए, एक तो वो एकदम एंड ऑफ द थाने है, उसके आसपास कुछ चीजें नहीं है, आपको कहीं भी मार्केट आना है तो आपको आना इसी तरफ. मेरे को एज अ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था. दूसरा मेरे को ये एक रीजन लगता था कि आपने वहां पर ले लिया, अब आपको वहाँ पे रेंट कितना मिलेगा, आपको रेंट मिलेगा 1 BHK का 15,000 रेंट पे, वहाँ पर आपको आराम से 1 BHK मिल जाएगा एंड 18,000-20,000 में आपको आराम से वहाँ पे 2 BHK मिल जाएगा. हमारे खुद के वहाँ पर बहुत क्लोज एक फ्रेंड रहते हैं, 3 BHK आपको 22-21 में भी मिलता है. तो आप सोचो जब 3 BHK का रेट मुझे 21-22 मिल रहा है, मैं एट दी एंड पे तो उतना ही कर रही हूँ जितना मैं बाकी जगहों पे कर रही हूँ, और इतना महंगा घर लेने के बाद मेरे को उसमें टेनेंट्स ना मिले, मिले भी तो इतने कम बजट में टेनेंट्स मिले, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता. एंड सेम रीजन विद पुरानिक्स, जो रूमा बाली है, देर इज दिस सोसाइटी, अगर आप थाने में रहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, पूरा बाली के कंसेप्ट में उन्होंने उस सोसाइटी को डेकोरेट करके रखा है. मतलब जो वहाँ का गार्डन है, झांकी बिल्कुल बाली स्टाइल में, आपको ऐसा लगेगा बाली आ गए हो, इस तरीके का उन्होंने प्रॉपर्टी बना करके रखा है. बट सेम रीजन कि इतना दूर, मतलब वही यही जो फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ बताए ना, वही फैक्टर्स वहाँ पे भी वो होते हैं कि लोगों के लिए अच्छे. या तो आप इन्वेस्टर हो भाई, आपके पास बहुत पैसा है, आपको एक घर पटकना है लेकर के, तो आपने लेके रख दिया है, पैसा लगा दिया भाई. हम जैसे लोग जो पूरी अपनी लाइफ की सेविंग लगाने वाले हैं, और तो हमको नहीं सही लगा वहाँ पे, तो हमने कहा यार चलो, मैंने विक्की को बोला इधर का छोड़ते हैं अपन पार. तो इसलिए घर लेते टाइम ना आप बहुत सारे लोगों से डिस्कस करिए वहाँ के आसपास के. मैं सोसाइटीज में जाती थी, मुझे रैंडमली कोई नीचे दिख जाता था, मैं उनसे बात करने लग जाती थी, लेकिन मैं क्रॉस चेक करती थी कि पानी का इशू तो नहीं है, लीकेज तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है, वो तो नहीं होता है, ऐसे सब क्रॉस क्वेश्चंस में करती थी. फिर हम वहां से आ गए और बहुत हम ऐसे डिसहार्टन, क्योंकि हमारा कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा था कि यार छोड़ते हैं, ठीक है, हो सकता है इस बार हमारे उसमें नहीं लिखा हो घर का, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. तो हमारा ये प्रोसेस हुआ, जून की बात कर रही हूँ मैं आपसे, जून में विक्की ने फिर हमारे जो बिल्डर है ना उसमें 4 फ्लैट खाली थी. मैं रहती थी 3 नंबर फ्लैट में, जो मेरा टॉप का नंबर था ना वो 3 नंबर फ्लैट था, और ऐसी 5th नंबर की एक न्यू बिल्डिंग है जो 1.5 साल पहले ही बनी है, और उसमें 4 फ्लैट्स खाली थे सेल होने के लिए, बिल्डर बचा के रखते हैं एंड के लिए. तो उन 4 फ्लैट में से भी मैंने सोचा यार यहीं पे कुछ हो जाए, यहीं पे कुछ हो जाए, बट नहीं हुआ फाइनली, क्योंकि बिल्डर इतना कम नहीं मानेगा और हमारा इतना ऊपर का बजट नहीं था. तो आई वॉज लाइक ठीक है यार चलो, हम थोड़े डिसहार्टेंड हो गए थे, मैं तो नहीं हुई थी पर विक्की बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि नहीं होगा तो आई एम फाइन विद. समझाया कि यार हम जबरदस्ती कहीं पैसा नहीं लगा सकते अपना, ये हमारा एक घर है, फर्स्ट घर है, और हमको इतने रिच और ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है हमारा कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, यार 30-35 लाख की बात नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है. तो विक्की भी समझ गया, ठीक है, हमने हमारे ट्रक वाले भैया से बात करी, क्योंकि हम भोपाल मूव होने वाले थे, तब का सिनेरियो बता रही हूँ, हम भोपाल मूव होने वाले थे 1 जुलाई को, दे दिया, फिक्स हो गया हमारा, सबको बता दिया हमने कि हम जा रहे हैं, जो हमारे क्लोज्ड वंस जैसे शालिनी दीदी और निशा. मेरे को दीदी ने भी यही समझाया कि कोई बात नहीं, कभी कभी टाइम लेती हैं ये चीजें. फिर एक ऐसा कॉल आया विच लिटरली चेंज थिंग्स लाइक दिस.